जब मेरे और आपकी आका मौला तशरीफ लाए तो ज़बानो बयान का उरूज था, कुरान दिया गया। कुर्बे कयामत में इंसानी इर्तिका और मादी तरक्की और अपालो याजदम के जरिए चांद पर जाने की बातें होनी थी और लोगों ने मरीख पर जाने की तैयारियां करनी, तो अल्लाह ने अपने महबूब को दूसरा बड़ा मोजज़ा मेराज अता कि दुनिया उल्टी छलांगे भी लगाती फिरे वहां किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता जहां मोहम्मद अरबी के कदम पहुंच गए। मेरे इमाम बोले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, नशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहित की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी को मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे, उनकी अजमतों की कुना तक कौन पहुंचे। यहाँ तो जिब्रील भी हाथ बांध के खड़े हैं। जब जिब्रील ने कहा कि हुजूर आगे मैं नहीं जा सकता, तो कहा वही लाने वाले अब आना, जो दर दोस्ती मुखलसम याफ्ती, जब दोस्ती में तूने मुझे मुखलस पाया है तो फिर रास्ता क्यों छोड़ रहा है। अर्ज गुजार हुए, अगर यक सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम, लो दनो तो खत वतन लह तरक, तो इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ू तो जल के राख होता हूँ। जहाँ जिब्रील भी पीछे रह गए, मलाइक भी पीछे रह गए, कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अरश तो भी लंग पार गया।